बात चल रही है कोई गणेश आचार्य, उन्होंने अमोली में एक शिकायत दर्ज की है जान से मारने की धमकी देने के बाद दो अधिकारी दो फेडरेशन के पदाधिकारियों के नाम है, आप अध्यक्ष से क्या बताना चाहेंगे, मामला क्या था गणेश आचार्य को? दरअसल ऐसा है कि मैं बी एन तिवारी फेडरेशन का प्रेसिडेंट, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी तरीके का जान से मारने की कोई बात ही नहीं हो सकती थी। गणेश आचार्य एक बहुत माने जाने कोरियोग्राफर हैं और हमने उनके उस समय को भी देखा है जब उन्होंने करियर को शुरू किया था, काफ़ी सपोर्ट रहा उनके साथ हमारा और एक अच्छे इंसान के तौर पर भी रहे। पता नहीं अचानक उनके मन में कौन सी बातें आ जाती हैं कि छोटी छोटी बातों को लेकर के, जब पैसा आ जाता है आदमी के पास तो उसका ईगो बढ़ जाता है। हमें अफसोस है कि इतना सब होने के बावजूद वो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। आपके नॉलेज में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इससे पहले भी 2006 में इसी तरह की कुछ बातें हुई थी फेडरेशन के ख़िलाफ़ और जिसके लिए उन्होंने माफ़ीनामा दिया है, जो अभी हमारे पास पेपर में आपको दिखा देता हूँ, जिसमें उन्होंने अनकंडीशनली माफ़ी मांगी है। हमारा मकसद उनको माफ़ी मंगवाना नहीं है। उन्होंने एक वॉइस और वीडियो वायरल किया था जिसमें ये था कि फेडरेशन के कुछ लोग चोर हैं। हमारी अभी नई कमेटी आई है और हम लोग पूरे उत्साह के साथ अपने मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं। जब ये बात हमारे तक पहुंची, लोगों तक पहुंची, तो उनको हमने मैसेज दिया, लेटर दिया कि आप इस तरह की बातें न फैलाएं। और दूसरी बात कि CDA एक है और उसको एक रहना चाहिए, हमारे ही कंपाउंड में रहते हैं लोग, उसको दो टुकड़े में मत कीजिए। ये हमने एक रिक्वेस्ट करके उनको एक लेटर भेजा कि मास्टर जी आप एक सीनियर पर्सन हैं, आपकी ड्यूटी बनती है कि हर वर्कर को लेकर चलें, किसी एक से यदि आपको तकलीफ है तो उसको दूर किया जा सकता, फेडरेशन के साथ बैठ करके बात करें, हमें बताएं, हम लोग उसको ठीक करेंगे। उनका कहना है कि भाई मैं फेडरेशन के पास क्यों जाऊं? जब आप फेडरेशन के साथ अफिलिएट हैं तो आपकी ड्यूटी बनती है और फेडरेशन के पास वो ताकत है कि CDA को जब चाहे तब अपने साथ रखे, जिस पदाधिकारी को चाहे उसको उसके एसोसिएशन में रहने दे, नहीं तो उसके ख़िलाफ़ नॉन कोऑपरेशन या किसी भी तरह की डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है। हमने वो सारी चीज़ें नहीं की, हमने इंतज़ार किया और सिर्फ इतनी सी बातें नहीं थी। बहुत से मजदूर आज, बहुत से लाइट के खाना सप्लाई करने वाले के डांसरों के पैसे बाकी, देखिए ये लोग आपके सामने जो दिख रहे हैं लोग खड़े हैं, हम चंद लोगों को यहाँ लाए हैं, कम से कम 70-80 लोग आए हैं मजदूर हमारे पीछे जो बैठे हैं, कुछ बाहर खड़े हैं क्योंकि इतनी जगह तो है नहीं, वो सबके 2 साल से पैसे बाकी हैं। जिस पिक्चर की बात आप करते हैं कि मैं सिर्फ कोरियोग्राफर था या मैं सिर्फ प्रोड्यूसर नहीं था, डायरेक्टर था, उसमें आपके हर जगह पर हमको पेपर है जिसमें आपका नाम है, शरद सेलार एंड गणेश आचार्य निर्मित के सारे नाम लिखे हुए हैं, बुकलेट से लेकर के गूगल तक आप जाइए चेक कीजिए, भिखारी फिल्म मराठी पिक्चर का, उसमें हर जगह आपका नाम है। और आपने, यदि आपका नाम नहीं है, आप प्रोड्यूसर नहीं है, तो आपने चेक क्यों दिया? आपने चेक दिया, चेक दे करके आप बाउंस करा देते हैं उसको, मतलब कि स्टॉप पेमेंट करा देते हैं। और सबसे बड़ा अपराध की बात है कि आप बैंक से चेक भी वापस ले लेते हैं। जब बैंक को हमने लेटर लिखा तो उसने लेटर दिया कि भाई गणेश आचार्य के कहने से हम उनको वापस कर दिया, जबकि हम उस पर चाहें तो एक्शन ले सकते हैं बैंक के ऊपर कि आप कैसे किसी को दे सकते हैं। उसके बाद आप झूठ बोल करके अम्बोली पुलिस स्टेशन में जाते हैं और उन लोगों का नाम लेते हैं, अशोक दुबे, गंगेश्वर लाल श्रीवास्तव हमें जान से मारने की बात कर रहे हैं, उनसे हमारे जान को खतरा है। ये मीटिंग हमारी हुई थी आज से 4-5 दिन पहले, शरद सेलार दादा ने ये मीटिंग अरेंज कराई थी। हम लोग बोल रहे थे तो बोले यार देखो सब सारी चीज़ें मिलकर बैठकर बात कर लेते हैं। नॉन कोऑपरेशन के लिए हमने दिया कि यदि आप हमको सपोर्ट नहीं करते हैं, हमारे वर्करों के पेमेंट के क्लियर नहीं करते हैं, क्योंकि 2 साल से पैसे बाकी हैं, आप एक एक आदमी को देखें, ऐसी हालत है कि आज नहीं काम करते हैं तो कल वो खाना नहीं खा सकते,
इस कंडीशन में हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि फेडरेशन का पदाधिकारी होने के नाते हमारी ड्यूटी बनती है कि मैं उन लोगों को जवाब तलब करूं जिनके यहाँ पैसे हमारे मजदूरों के, हमारे वर्कर के, हमारी अपनी फैमिली के लोगों के बाकी हैं। इसके लिए उनको लेटर लिखा है कि आप इसका जवाब दीजिए। किसी भी लेटर का उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि एक वीडियो वायरल कर दिया कि फेडरेशन के कुछ लोग चोर हैं, वो जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, जो दादागिरी कर रहे हैं। जब हमने उनको बुलाया, उनको लेटर दिया कि साहब ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप, तो उन्होंने एक कोर्ट में केस कर दिया। इस बात का जितनी प्रॉब्लम हुई है उसको मैंने ऑलरेडी सारे प्रोड्यूसर बॉडी को भेजा, सबको बाकायदा लेटर भेजा, और आज तक इनसे रिक्वेस्ट करता रहा कि दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि हमारी यहाँ पर नियुक्ति किसी और काम के लिए, यहाँ कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं हुई है। हमें न्याय करने के लिए अपने वर्कर के अधिकार को, फेडरेशन की संरचना जो की गई है, आज 70 साल पुरानी फेडरेशन सिर्फ अपने मजदूरों, अपने वर्कर, अपने टेक्नीशियन के अधिकारों के लिए लड़ती है, खुद के लिए कुछ नहीं लड़ती। हम 3 आदमी जो यहाँ बैठे हैं हर तरीके से संपन्न हैं, हर काम को कर चुके हैं। हमें फेडरेशन से 10 रुपये नहीं चाहिए। हमने अपनी छवि बनाने के लिए प्रोड्यूसर को पहले बैठते ही लेटर दिया गया कि हम किसी की शूटिंग को नहीं रोकेंगे। प्रोड्यूसर ने बोला कि जहाँ भी आपको दिक्कत लगती है हम आपके सपोर्ट में खड़े हैं। तमाम दिक्कतों के बाद, तमाम डिफरेंसेस के बाद आज प्रोड्यूसर बॉडी हमारे साथ खड़ी है, और मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि किसी एक की गलती से प्रोड्यूसर का काम नुकसान हो, क्योंकि प्रोड्यूसर का तो कोई लेना देना नहीं। यदि टेक्नीशियन के पैसे खा जाते हैं तो उसको हम रोक रहे हैं ना, प्रोड्यूसर का तो इसमें कुछ भी लेना देना नहीं है। तिवारी साहब, आपने अभी एक जवाब दिया कि हम किसी की शूटिंग नहीं रुकवाते। अभी मालूम पड़ा कि कुछ दिन पहले ही आप गणेश आचार्य की शूटिंग पर गए थे और आपने शूटिंग रुकवाई थी, उसके अगेंस्ट में आपको चेक दिया गया था, तो आपने उस केस को फेडरेशन के ऑफिस में बुला के क्यों नहीं सुलझाने की कोशिश की सर? हमने उनको बार बार बुलाया और उन्होंने जब चेक दिया तो ये बोला था कि ये चेक क्लियर होगा, उसको स्टाफ पेमेंट करके उसी चेक को उन्होंने वापस ले लिया। टीपी अग्रवाल ने जिम्मेदारी पर, टीपी अग्रवाल ने इसकी रिस्पांसिबिलिटी ली थी। ये बात हमने टीपी अग्रवाल को भी बोला है कि सर इसी इस तरह की बातें हो रही हैं। मजदूर खुद गए थे? हाँ, मजदूर फेडरेशन नहीं गई थी। आप बोल दीजिए सर, आप क्या बोल रहे? सर, शूटिंग किसी फेडरेशन ने नहीं रोका था, मजदूर खुद गए थे। 2 से 2.5 साल हो गया था, लोगों का पेमेंट बाकी था, तो मजदूर खुद गए थे। उन्होंने एक लाइट वालों का और एक सेटिंग अलाइड मजदूर यूनियन का चेक दिया था, एक 10 लाख का, एक 6,67,000 का उन्होंने चेक दिया था, जो कि चेक, एक चेक स्टाफ कर दिए, वो चेक लाइट वालों का मिला, और बाकी का एक एक्सिस बैंक का जो यूनियन के नाम पे दिए थे, उन्होंने बैंक में अपनी पावर को बताते हुए किसी तरीके से या वहाँ के लोगों को गुमराह करके चेक उन्होंने, जो कि वो चेक एसोसिएशन को मिलना चाहिए, उनको मिला और वो ले लिए। फिर हम लोगों ने बैंक को लेटर दिया, तो बैंक ने हमें राइटिंग में लिख के दिया कि हमारा, हमसे मिस्टेक हो गया, हमने वहाँ पे चेक दिया हुआ है। दरअसल बात यह है कि यहाँ तक सारी चीज़ें ठीक थी, आपने झूठ बोल करके, आप इतने बड़े कोरियोग्राफर होने के बावजूद अम्बोली पुलिस स्टेशन में झूठी रिपोर्ट लिखाने जाते हैं। बैंक ने लेटर दिया हुआ है, और हम लोगों ने कभी भी, हम तीनों ने कभी भी उनके मोबाइल पे कभी आज तक बात भी नहीं की है। और मेकअप एसोसिएशन में शरद दादा ने मीटिंग रखवाया था, अगर उसकी आप लोग इंक्वायरी करना चाहते हैं तो मेकअप एसोसिएशन में सीसी फुटेज के अंदर में हम लोग मिले थे, वो भी आप, हाँ पूरी रिकॉर्डिंग है। बाहर उनकी फैमिली और बच्चे खेल रहे थे, किसी तरीके का कोई भी, न कोई लाउड, न कोई चिल्लाना, न किसी तरह का कोई बात नहीं। हाथ मिलाकर गए थे, हाथ मिलाकर वापस आए कि उन्होंने मेरे को 2 दिन का टाइम दिया था कि 2-1 दिन के अंदर हम लेटर नहीं देंगे, मगर जिस तरह का हम ये दे सकते हैं वॉइस ओवर करके रिकॉर्ड करके भेजेंगे कि हमने जो कहा था वो गलत था, मेरी कोई तरह से, किसी तरीके से कोई इच्छा नहीं थी कि फेडरेशन के उन लोगों को मैं चोर बोलूं या बदमाश बोलूं। हमारे कुछ मेंबर फेडरेशन के साथ जुड़े हुए हैं, हमने उनके लिए बोला, हम कहीं आप जो भी बोलना चाहते हैं, जैसे आपने हमारे खिलाफ़ बोला था वैसे इसको ठीक करके बोल दीजिए। बोले ठीक है। असल जी, कहना कि एक बात जानना चाहिए, लगातार फिल्में आने हैं गणेश आचार्य की, क्या ये मजदूरों का पैसा नहीं देने के लिए नौटंकी कही जाए? क्या सर, कि गणेश आचार्य फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है,
हमने उनसे बार बार रिक्वेस्ट की कि आप मजदूरों के पैसे दे दो। अगर उनके दिमाग में यह है कि मजदूरों के पैसे मांगना धमकी है, तो अगर उनको लगता है ये धमकी है तो वो धमकी समझे इसे, क्योंकि मजदूर डेली कमाता है और डेली खाता है। आज दो साल से उनके पैसे आप देख सकते हैं, डांसर्स हैं, लाइट मैन हैं, मजदूर यूनियन सब सबके लोग हैं, खाने वाले के 20 लाख रुपए हैं। आज आज लोग डरते क्यों, डांसर्स सामने क्यों नहीं आ रहे थे, क्योंकि लग रहा था कि अगर हम कंप्लेन करेंगे तो कल हमें काम नहीं मिलेगा। तो भी 35 से 40 डांसर सामने आए, उन्होंने लिखित में कंप्लेन दी हुए, CDA में दी, फेडरेशन में दी, तब जाके हमने उनको लेटर्स दिए। हमने कहा कि अगर आपने ये पैसे क्लियर नहीं किए तो हमारे जो वर्कर्स हैं, हमारे जो टेक्नीशियंस हैं, चाहे कैमरा मैन हो, चाहे डायरेक्टर हो, चाहे लाइट मैन हो, वो आपके साथ काम नहीं करेगा। तो 3-4 पिक्चरें उनकी लाइन से हैं, तो उनके ये लगा कि अगर अगर ये काम नहीं करेंगे तो हमें प्रोड्यूसर कल काम नहीं देगा। तो मुझे लगता है कि इस दबाव में, इस प्रेशर में आके उन्होंने ये हरकत की है। तिवारी साहब, आपसे एक सवाल है कि फेडरेशन के अपने एक अधिकार होते हैं जी, फेडरेशन अपने आप में कानून, अपने आप में कोर्ट होता है जहां फैसले होते हैं जी, तो फेडरेशन के इस अधिकार का उल्लंघन नहीं हो रहा, चाहे वो आपके गणेश आचार्य हो, इंडस्ट्री की बात, अगर बिल्कुल 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 उल्लंघन हो रहा है। हम आपको लेटर दे रहे हैं, लेटर का जवाब आप हमको दे सकते हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं। आप बोलते हैं हम फेडरेशन में नहीं आएंगे, हम बोलते हैं कि आप जहां बोलिए आपके ऑफिस में आ जाते हैं, आपके जहां बुलाएंगे हम लोग आ जाते हैं। हम आपको आज भी सम्मान दे रहे हैं, और मैं आपके माध्यम से उनको मैसेज देना चाहता हूं कि ये जो आपने किया है ये आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं काम किया। आपने एक झूठ बोला है, पुलिस को भी परेशान किया है, लोगों को परेशान किया है। आपसे गुजारिश है आप सबके माध्यम से कि ये जो गलत अफवाह फैला रहे हैं इसको वापस लें, इंडस्ट्री में मिलजुल करके एक परिवार है उसके साथ काम करें। हम सारे आपके साथ, कभी भी कोई इतराज पर्सनल हमारा कोई आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां मजदूरों का सवाल है, जहां उनके पैसे का सवाल है, उसे आपको क्लियर करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा, उसके बगैर कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब तक आप उनके पैसे नहीं देंगे वो आकर के हमें सताएंगे, हम आपको जाकर के परेशान करेंगे, आपके सेट पर जाना पड़ेगा, आपको रुकवाना पड़ेगा, हमारे अपने लोगों को बाहर करना पड़ेगा। ये काम होने से रोकें, आपकी बहुत बड़ी पोजीशन है, बहुत बड़ा नाम है, उसे ख़राब होने से बचा लें। मेरी हम तीनों की तरफ से आपसे रिक्वेस्ट है। आप लोगों के खिलाफ कंप्लेंट हुई है तो आपने पुलिस में जाकर कोई सफाई दी या उन्होंने आपको? अभी हमें तो आप लोगों के माध्यम से पता चला है कि हम लोगों के खिलाफ कुछ अभी आज अभी कल आप लोग के थ्रू मालूम चला, और आज सुबह में फ़ोन आया था कि आप तीनों के नाम पे कंप्लेन है। हम लोग बोले हाँ आएंगे, और उसको कंप्लेन में दो लोगों का नाम है, गंगेश्वर जी और मुझे। पुलिस स्टेशन से जो फ़ोन आया यही बोला गया कि मेरे गंगेश्वर श्रीवास्तव, अशोक दुबे और बी.एन. तिवारी के नाम पे कंप्लेन, आप लोग पुलिस स्टेशन में आ जाओ। और ये लोगों ने मतलब जो वहाँ पे पुलिस को भी झूठा बोले हैं उस पर हम अपने लॉयर से राय ले रहे हैं, उनको कैसे जवाब देना चाहिए वो हम देंगे लेटर कल। एक आखिरी सवाल, क्या कदम होगा फेडरेशन का अगला? अगला कदम यही है साहब कि या तो वो अपना लेटर वापस ले लें पुलिस स्टेशन से, जो गलत अफवाह फैला रहे हैं, जो झूठी बात है। मेरे पास CCTV का फुटेज है, वो उन्हीं के पार्टनर के ऑफिस है, हमारी ऑफिस नहीं है, वहाँ से CCTV फुटेज हम ला करके देते हैं कि किधर कब उनसे बात की गई है कि आपका जान मार लेंगे, आपका मर्डर कर देंगे, आपके खिलाफ ये काम कर देंगे। नहीं हम में से किसी ने उनसे टेलीफोन पर बात किया है, आज तक किसी ने कोई बात नहीं किया है, नहीं हमारे पास उनका नंबर है, और नंबर है भी तो हमें ज़रूरत नहीं है कि पर्सनल लेवल पर हम किसी से बात करें। हम जब यहाँ आते हैं हमारी ड्यूटी शुरू होती है, हमारी एक रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि हम लोगों को बताएं, लोगों तक पहुंचाएं उनकी बातें, यदि कहीं किसी के साथ दिक्कत हो रही है उसको सुधारने का मौका दें। मेरी आज भी दरख्वास्त है कि इस चीज़ को यदि वापस नहीं लेते हैं, यदि प्रॉब्लम करते हैं, तो कहीं भी हमारे वर्कर जो 4.5-5 लाख वर्कर हैं, चाहे वो स्पॉट बॉय हों, चाहे वो लाइट मैन हों, या चाहे वो डांसर हों, या टेक्नीशियन हों, कैमरा मैन हो, साउंड रिकॉर्डिंग हो, जो भी डिपार्टमेंट के लोग हैं उनके साथ काम, हमारी आज़ादी है कि हम किसके साथ काम कर सकते हैं, किसके साथ काम नहीं कर सकते। इस देश का जो राइट है, जो लॉ है, उसके हिसाब से हम किसी में बाध्य नहीं हैं कि हमें ज़बरदस्ती मजदूर बनाकर कोई काम करवाएगा। हमारे पैसे जहां से नहीं मिलेंगे हम उस आदमी के साथ काम नहीं करेंगे। एसोसिएशन के साथ और भी आपके एसोसिएशन कोई आपकी हेल्प में उतरी है, जैसे TP और करवाजी का आपने नाम लिया, इकबाल का, तो उनका क्या कहना था आपके इस
उन्होंने बोला कि आप हमें बताइए यदि कोई तरह की दिक्कत है तो हम लोग इस पर एक्शन लेंगे। हमारी 25 एसोसिएशन फेडरेशन के साथ में है और हम चारों प्रोड्यूसर बॉडी को भी एक रिक्वेस्ट करेंगे कि जब तक मामला सुलझ न जाए उनके साथ काम ना करें, क्योंकि जो मेंबरों का पेमेंट नहीं हुआ है वो कहीं भी कोई भी माहौल ख़राब हो सकता है। इसलिए उनसे आप लोगों से प्रोड्यूसरों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, उन्हें लेटर दूंगा कि जब तक ये मामला सुलझ न जाए वो काम ना करें, नहीं तो माहौल बिगड़ेगा तो उसकी जिम्मेदारी उन प्रोड्यूसरों को होगा जो उनके साथ काम करेगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं 1987 की मेंबर हूँ, मुझे 30 साल के ऊपर हो गया है। मैंने हर मास्टर का काम किया, कहीं पे हमारा कभी आज तक पैसा रुका नहीं। गणेश आचार्य का भिखारी पिक्चर का हम लोग ने शूटिंग किया था 2016 में किया था, तब से लेके अभी तक पैसे हमें मिले नहीं। जब भी पूछो उनके सेक्रेटरी को, जिसको भी पूछो तो बोलते भूल जाओ, नहीं तो दूसरा काम आपको मिलेगा नहीं, ऐसा बोलते बोलते हम भी डर के मारे। वो उसी के लिए हम लोग बोलते थे मगर फिर हमने बोलना छोड़ दिया। आज हम लोग के एसोसिएशन को दो टुकड़ों में उन्होंने बांट दिया एक मास्टर ने। वो मास्टर को हक नहीं था हमारे एसोसिएशन को टुकड़े में बांटने का और हमारे फेडरेशन के खिलाफ दुनिया भर का बोलने का। ये हमारे कितने सालों से हमारे साथ बने रहे ले फेडरेशन, हम इनको छोड़ नहीं सकते क्योंकि हमारा जो भी प्रॉब्लम है सब हमारे फेडरेशन हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व की। तो हमने ये आपस ये पेमेंट का हमने बोला कि भाई हमको पेमेंट चाहिए, आप तो वैसे भी हमको काम पे बुलाते नहीं हो। एक पेमेंट के लिए मुझे महबूब स्टूडियो की शूटिंग की मैंने 4 दिन की, वो पेमेंट के लिए मुझे भरे लोगों के अंदर मुझसे वो मास्टर सवाल जवाब कर रहा है। इतना टॉर्चर किया मुझे, बस मुझे तो मेरे पैसे निकालने थे। मेरे कुछ 12,000 की पेमेंट थी, मुझे मेरे पैसे निकाले क्योंकि मेरी बेटी का कॉलेज का मुझे एडमिशन कराने का था। उसके लिए मैंने हाँ हूँ मैं बात करके, वो बोले मुझे सॉरी नहीं बोली आपने। मैं बोली मैं एक छोटी औरत, अगर आपको मैं सॉरी बोल सुनना चाहते तो मैं आपको सॉरी बोलती हूँ, मैंने ऐसा बोल के। और पैसे भी ला के दे तो मेरे को बायका था सबके सामने ऐसा पैसा देते ना, वो लोग ने फ़ोटो लिया और मेरे को निकलते निकलते बोलता इसकी रिकॉर्डिंग भी ले लेना ये पूरा वायरल करने के लिए, ये अपने बहुत काम आएगा बोले, ऐसा करके मुझे टॉर्चर करके। उस दिन मैंने मेरे पैसे, क्योंकि मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ अभी फ़िलहाल, क्योंकि इतना 5-6 महीने से काम नहीं कुछ नहीं मेरे पास, बस वो एक पेमेंट का मुझे आज तक वो पेमेंट आएगी तो मेरा घर चलेगा, मेरे बच्चे की पढ़ाई होगी। इनके लपड़े झगड़ों में दो किस्तों में बांटने से आज हमारे बच्चों की पढ़ाई रुक गई। आगे जो मुझे इतना हेल्प था डांसर एसोसिएशन से, जो ट्रस्ट था वो ट्रस्ट से हमारा को मिलता था, घर में हमारे राशन आते थे, क्योंकि हमको मालूम है अभी हमारे लायक काम नहीं है, हम कभी कभी आएंगे काम में, मगर ऐसा करके इन्होंने कर दिया। आज हम किधर के भी नहीं रह गए, जब भी जाओ ऑफिस में लफड़े झगड़े ताला लगाते हैं, वो लोग हमको अंदर लेते नहीं बैठने देते नहीं, सीधा निकल जाते बंद करके। कल भी हम आए थे वो फैसले के लिए कि ताला खोलेंगे करके, मगर वो लोग ने ये करके हमको ये कर दिया। अभी 4 तारीख को हमको उन्होंने बोला है पुलिस वाले ने कि वो 17 कमेटी के, ये 17 कमेटी के मिलके जो डिसीजन होगा वो सामने आएगा। मजदूर ही हुआ। इंद्र प्रकाश शिवशेखर हूँ, 2001 से मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक ऐसा कोई प्रोड्यूसर या प्रोडक्शन ऐसा नहीं हुआ जिसने पेमेंट नहीं दिया। एक लौता डांसर मास्टर हैं जिन्होंने कि वर्कर को इतना परेशान किया जो बेस्ट से लेके इनको अर्थ तक पहुँचाया है, ऐसा कर्म इनको शोभा देता है क्या? नहीं देता है ना, तो क्यों कर रहे हैं ऐसा? हम लोग का पेमेंट दे, बात खत्म कर, और कुछ नहीं चाहिए हम लोग को। पेमेंट रुकी आपके? मेरे 13 शिफ्ट के पेमेंट है, शुरू से लेकर लास्ट तक मैं किया हूँ सर, अभी तक पेमेंट नहीं मिला, 2 साल हो गए, कहाँ से खाएंगे? हम लोग का तो रोज का कुआँ खोदना पीना खाना है सब वही है ना, कहीं से और से तो आता नहीं, ये क्यों नहीं दे रहे हैं? तो आपने उनसे बात करने की कोशिश की? करते ही नहीं, ऊपर से धांधली गुंडागर्दी एनसी कर रहे हैं, कोर्ट में केस कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? एक तो देना लेना नहीं, काम करा के आउटिंग में छोड़ दिए हम लोग को, तो देना चाहिए ना उनको, ये कर्म क्यों कर रहे हैं बिना मतलब का? वहाँ पैसा दे रहे हैं, वहाँ दे रहे हैं, वहाँ खर्चा कर रहे हैं, वो हम लोग को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? हमारा राइट, हमारा पेमेंट दे, नहीं तो इनको बैन करेंगे। हम लोग सेटिंग में 6 जन थे, एक्स्ट्रा वालों को छोड़ के, अभी तक नहीं दिए हैं।
जो पैसा वहाँ खर्चा कर रहे हैं हम लोग को नहीं दे सकते, निपटा नहीं सकते। कौन सा इतना लाख दो लाख का पेमेंट है वहाँ, तेरह तेरह पंद्रह पंद्रह शिफ्ट का पेमेंट है, तो वो तो दे देना चाहिए ना, देश से चले ना, क्यों इतना ऊपर जा रहे हैं। सर मैं 2008 की मेंबर हूँ, मेरा नाम पिंकी मौर्या है, मुझे इंडस्ट्री में मुस्कान बोलते हैं, जो कि मुझे इंडस्ट्री में 15 साल हो चुके हैं और ऑलरेडी मैंने मास्टर जी की काफ़ी शूट की, ऐसी कोई बात नहीं कि मैंने नहीं की, नॉन मेंबर मेंबर में की है, मेंबर में बन के मुझे आज 10 साल हो रहे हैं। आज ये प्रॉब्लम क्रिएट यहाँ पे हो रही है, हमारे यहाँ पे इशू जब से जाहिद भाई, डेरिक भाई, रवि जी, फिरोज़ भाई, लाला भाई जब से ऑफिस में थे तभी आज तक हमें कोई भी पेमेंट की इशू नहीं है। आज तक जो भी है पेमेंट हमें थोड़ा तो थोड़ा, मतलब कम के पेमेंट में हमने काम किया लेकिन हमें पेमेंट ज़रूर मिली है। लेकिन मास्टर जी के यहाँ पे 2 साल हो चुका है, यहाँ पे पेमेंट का अभी तक का इशू हमारा चल रहा है। मैं एक सिंगल मदर हूँ जो कि मैं अपना घर से सर्वाइव खुद करती हूँ, मेरा खुद बेटा है जो अभी 8th स्टैंडर्ड में है, ठीक है, मैं उसके लिए अपना काम कर रही, जो भी है करके सारा होने के बावजूद भी मैंने काफ़ी टाइम संजय जी को फ़ोन किया है, संजू मास्टर को अपने, कि सर पैसे पेमेंट की बात कीजिए, सर से बात कीजिए, फ़ोन उठाते नहीं संजू दादा, मोस्ट प्रॉपरली फ़ोन नहीं उठाते। हमारे डांसर्स लोग की इशू यही है कि उन्होंने हमारा पेमेंट आज तक नहीं दिया। जैसे कि आपने काफ़ी लोगों के बारे में सुना है कि इन लोगों की इश्यूज़ है, काफ़ी हम गरीब है, ऐसे नहीं कि हमारे पास बहुत पैसे। आज हमारे मेरे 10-10.5 हज़ार 3 दिन के शूट्स के बनते हैं, हेलीपैड की शूट थी जो कि कड़कती धूप में हमने शूट की है, और ये बंदे हैं जो इनको रोना आ रहा है, बाकी मेरे जैसे काफ़ी लोग हैं जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं क्योंकि हम इसके ऊपर डिपेंड करते हैं। आज 2 साल बाद आप पेमेंट भी नहीं दोगे तो हम किसके पास जाएं? आज फेडरेशन की जो चीज़ें हैं, आज तक हमारे इशू फेडरेशन को लेकर CDA तक इशू कभी नहीं हुए, लेकिन आज ये इशू क्यों बन रहे हैं? क्योंकि इन्होंने ये सारी चीज़ें की, ये खुद बिना वजह ये चीज़ करें। आज तक मैं ना मीटिंग्स में हूँ ना मैंने कभी किसी के बारे में बोला, लेकिन ये मेरे हक का पैसा है। मैंने इतना भी बोला है कि सर मैं भीख नहीं मांग रही, मेरी सैलरी चाहिए, ये मेरा हक है जो मुझे चाहिए। आज मेरी तरह काफ़ी लोग मेरे पीछे हैं जो 400-500 डांसर जो भी बाकी है जिनका पेमेंट बाकी है, लेकिन आज सोचिए उनको आप लोगों ने 2 साल से अटका के रखा है, मेरा पेमेंट 10.5 का है, छोटा छोटा करके पेमेंट आप जोड़ेंगे तो काफ़ी बड़ा होता है, तो सोचिए इन बंदों का क्या होगा दुनिया में। अगर आप लोगों के पास ये बात ना करेंगे तो हम किसके पास जाएं? ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आराम से अपने पे घूम लो, तो पीछे मेरा पीछे क्या बात कर रहे हो, बैठो, चलिए सामने ले लीजिए, अरे अंदर लग रहा है ना, ऊपर आ जाओ विनोद, आ जाओ, डर लग रहा है, नहीं ले जा हमारी फेडरेशन बोलो, फेडरेशन जिंदाबाद, पहले ही देने का था ना, हम फेडरेशन को मानते हैं, सामने सामने संजू भाई थोड़ा ऊपर कर लिया, अच्छा हो गया, अभी करता हूँ गाड़ियों को, थैंक यू जी, ये मेरे लिए बेटा, खाना बिना है, अरुण अरुण जी खाना खिला के भेजो।